नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में काफ़ी सारी बुराइयाँ थी, तो ऐसे में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी, संतोषी स्वभाव की थी, उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी और शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था, उनकी आँखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई, शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, शीला ने सकुचा के फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। उसके बावजूद शीला कुछ समय नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। तो माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वर लक्ष्मी भी कहा जाता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था, वह विस्मित हो गई थी। माँ जी कहाँ गई, शीला को तत्काल यह समझ से देर ना लगी थी, माँ जी और कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था, सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत के आखिर में प्रसाद वितरण हुआ और यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया, उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ, उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी और वह आज पूर्ण किया है। माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिस संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भवन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर रखना, सभी को सुखी करना, हे माँ आपकी अपार महिमा है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़सी आ गई। घर में पहले जिससे सुख शांति छा गई वह लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी विधिपूर्वक करने लगी। तो ये थी लक्ष्मी जी की व्रत कथा।
हरे कृष्णा।